नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1303वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आपने कल वाले क्लास में देखा, तो मैंने बताया शॉर्ट में और इस वीडियो में 10 से 15 मिनट का समय आपका रहेगा, जिसमें आप इंग्लिश के सेंटेंस को जो है कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद कैसे इसमें जो है वर्ड्स ऑफ वर्ड का उपयोग करके इंग्लिश को पढ़ा और तेज़ी से पढ़ सकते हैं, साथ ही उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। और 5 लेटर वाला वर्ड जो है शुरू होता है पी से, उसके भी 2 स्लाइड। और सबसे पहले दोस्तों जो कि वर्ड मीनिंग के देखने होंगे, जो कि SSC जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जो वर्ड पावर अपना बढ़ाना चाहते हैं डिक्शनरी, उन्हें रोज़ ऐसे वर्ड्स जो कि लाखों बार आपके सामने आ जाते होंगे लेकिन आप शायद उसका हिंदी मतलब उससे हिंदी तो जानते लेकिन उस वर्ड का बहुत ही यूनिक वर्ड मतलब इंग्लिश में नहीं जान पाते होंगे, तो उनका भी यहाँ चर्चा होगा। तो चलिए, जैसे पहला ही वर्ड है दोस्तों हिंदी का पहले देखते हैं, राज सिंहासन से उठाना, या आप कह सकते हैं पदच्युत, ठीक है, पदच्युत कह सकते हैं, या शपथ ग्रहण भी कह सकते हैं, शपथ ग्रहण भी कह सकते हैं। तो शपथ ग्रहण नहीं, शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र जिसे बोलते हैं ना, शपथ पत्र है हमारा, ओथ लेटर, या हल्फिया बयान, या जमा यानी क्षेपण भी कह सकते हैं। वर्ड है सो डीपोजिशन, वर्ड है डीपोजिशन को इन सब शब्दों से जो है इंगित करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो शब्द है इंग्लिश का, जो एक हिंदी का शब्द है अकस्मात, सहसा, अचानक, मतलब सब अचानक सडनली वाला बात है, लेकिन सडनली को अब नहीं बोलेंगे, एब्रप्टली बोलेंगे। और दोस्तों इसका अर्थ है अकस्मात, सहसा, अचानक। नेक्स्ट देखिए, एब्रप्टली का अर्थ हो जाएगा अकस्मात, सहसा, अचानक। अब देखिए कंस क्यूटी सुस्पष्टता प्रमुखता को बोले कंस क्यूटी सुस्पष्टता प्रमुखता। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रैंड डॉइज यानी बहानेबाज, भड़कीला। ग्रैंड डॉइज का मतलब हुआ बहानेबाज, दिखाओ, भड़कीला, फिजूल खर्ची करता है, ठीक है, ग्रैंड डॉइज। नेक्स्ट जो है ड्यूरेस का अर्थ है नियंत्रण, बंधन, बाध्यता, ड्यूरेस। दोस्तों इन सब शब्दों को याद इस तरह से करें कि आप के बोल चाल की भाषा में ये इस तरह से प्रेस करें जैसे कि हिंदी, तो हिंदी के इन शब्दों के जगह आप इंग्लिश के वर्ड्स को याद कर मतलब कि बोले लिखे इसको, एक एक शब्द को लाए। जैसे एंटागोनिस्ट, वर्ड वर्ड विरोधी है, शत्रु है, प्रतिद्वंदी है, तो बोलेंगे कि भाई ही इज एंटागोनिस्ट, वह एंटागोनिस्ट है, वह उसका एंटागोनिस्ट, वो हमारा एंटागोनिस्ट है, ऐसे बोल के देखिए। तो क्या है, विरोधी, शत्रु, प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉर्सेट का अर्थ है चोली, है ना, चोली, नितंब पेटी कमर के ऊपर का जो पेटी होता है, तो नितंब पेटी, या इसे कॉर्सेट को कॉर्सेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कॉर्सेट के बाद है, तो ये कपड़े से रिलेटेड हो गया, इनसेंसिबल का अर्थ होता है बेहोश, मूर्छित, लापरवाह, जिसको होश ही नहीं है, है ना, जो चक्कर खा के गिर जाता है, मतलब इस तरह से। या आप कह सकते हैं और भी वर्ड इसके लिए जो है अच्छा वर्ड दे सकते हैं, तो जैसे कि दूसरे की भावनाओं की जो कद्र नहीं करता हूँ, कद्र ना करने वाला, इनसेंसिबल बोलेंगे, इनसेंस ही नहीं उसमें, दूसरे की भावना कद्र ही नहीं करता है। तो चलिए, ये वर्ड है, शब्द है, दोनों इस्तेमाल किए। ऑगमेंट का अर्थ है दोस्तों आकार बढ़ाना, वृद्धि करना, या वृद्धि होना, दोनों, आकार बढ़ाना, वृद्धि करना, या वृद्धि होना, या बढ़ाना, या वर्धन करना, या बढ़ना, इन सब वर्ड है हिंदी के शब्द को ऑगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है रिवरेंशियल यानी आदरणीय, भक्तिपूर्ण, विनित है ना, रिवरेंशियल विनित हो जाएगा, भक्तिपूर्ण, श्रद्धामय, पूज्य, ऐसे शब्द है रिवरेंशियल। नेक्स्ट शब्द वर्ड जो है सो ये एलिनेशन यानी मन से जो दूर हो गया भाई, मन से इसमें अपनापन नहीं है, हस्तांतरण, है ना, रेवरेंस, एलिनेशन यानी इसको और विदेशीकरण भी कह सकते हैं, अन्य संक्रमण भी कहते हैं। तो खैर एलिनेशन याद रखिए, एलिनेशन मीन्स होता है मन से दूर, आप हस्तांतरण। और लास्ट है दोस्तों रेवरेंट का अर्थ है आदर भाव प्रकट करने वाला को रेवरेंट कहते हैं,
या श्रद्धालु को कहेंगे रेवरेंट, रेवरेंट है ना, क्या है तो रेवरेंट वर्ड श्रद्धालु है, यानी कि वे लोग जो है अगर पूजा पाठ को करने गए या आपको देख रहे हैं कि पूजा पाठ करने आए तो बोल सकते हैं इज दे आर रेवरेंट, वे लोग पूजा पाठ करने वाले हैं ना, आधा भाव पकड़ करने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु के लिए रेवरेंट। दोस्तों ये था जो, इसको आप नोट कीजिए, याद कीजिए, बहुत ही काम के हैं। अब चलिए टेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों टेक्स्ट पे जाने से पहले आप जो है ये देखिए कि अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हमारे प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां दोस्तों आपको रीडिंग राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सब कुछ सरल सरल तरह से सीखेंगे। एक कॉपी बना लीजिएगा, हमारी विनती है, जिससे कि आपको कॉपी में लिखेंगे तो आपको वीडियोस पे नहीं कॉपी पे ध्यान देंगे और लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, रिवीजन वहीं से होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो कम से कम 10 दिन हमारे साथ बने रहिए। चलिए अभी जो है दोस्तों टेक्स्ट पे नहीं, पहले तो पी लेटर वाले वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि समझ में आए क्या कुछ है। तो पहला वर्ड देखिए है पोरिंग, जिनको उच्चारण नहीं आता वो पढ़कर यहां से सीख सकते हैं कैसे पढ़ना है। पोक्स, पोक्स, पोर्की, पोर्नो है ना, पोन्स, पॉन्स, पॉर्नी, पोटा, पोटे, पोटो, पोट्स, पॉटी है ना, पॉटी, पोज्ड, पोजर, ईयर को बोलते पोजर, पोजेज, पॉसेट, पॉसी, पोशो, पॉसिट है ना, देखिए पॉसे, तो फिर से यहाँ देखिए पॉजिट, पॉसिट, पॉसिट, पॉसे, नेक्स्ट है पोस्ट, पोस्ट, पोटे, पोच, नेक्स्ट है पोटेड और है पोट्स, नेक्स्ट है पोट्स, पोट्स के बाद है पोटीन, पोटू, पोटू के बाद पोट्सी, नेक्स्ट है पोटो, पोट, पोट्स, पोट्स, ठीक है पोट्स, पॉटी, पॉटी हो गया पाउच, पाउफ, पॉप्स, पॉफी और ये है पाउक। तो ये एक स्लाइड है, थोड़ा सा तेजी चलेंगे, पाउक के बाद पाउक्स, पाउल, 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 पाउल्ट, पाउंड, पाउ, पोप, पोप्ट, कैसे कैसे वर्ड्स हैं बोलने में, देखिए कितना क्लियर होता है। पाउट्स, पाउट्स, नेक्स्ट है पाउट्स, पाउटी, पवन, पावर, पावर, पावर तो आप बोलते ही होंगे ना, पौजी, पौजी बोलिए, पौजी नहीं, पौजी, पौजी के बाद है प्राम, प्राम के बाद देखिए प्राट्स, नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है, पहले यहाँ से एक फिर देखिए पौजी, पौजी के बाद देखिए प्राम, फिर देखिए प्राट्स, प्राट्स, फिर प्राहू, नेक्स्ट है प्रेया, प्रे, प्रेया, प्रेया, प्राक्स, प्रेम है ना, प्रेम जैसे फ्रेम, प्रेम, प्राम्स, नेक्स्ट वर्ड जो है सो प्राना, नेक्स्ट है प्रैंग, प्रैंक, प्रैंक, प्राओस, प्रोल, प्रोल, प्रॉल, प्रोम, प्रोमो, प्रोम्स, प्रोन, प्रोंग, प्रोंक, प्रॉन्स, प्रूफ, प्रॉप्स और प्रोर। तो दोस्तों ये तो था टेक्स्ट, मतलब पांच लेटर वाला जो कि पी से स्टार्ट होता है, और इसको पढ़ने के पीछे ये है जिसकी क्या तरह तरह के वर्ड्स जो है उच्चारण करने का तरीका सीखेंगे, एक बार रिवीजन करना है, बस एक बार बोल लेना, इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के काम को करना। अब चलिए देखते हैं दोस्तों ये टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट के आने के बाद आप क्या करिएगा कि एक बार जो है रीडिंग डाल दीजिएगा, ताकि आपको जो गलतियां जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ फंस जा रहे हैं, वहाँ फंस जा रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं तो मैं बता दूंगा। तो क्या करना है कि एक बार पढ़ देना, उसके बाद मैं एक बार तेज़ी से पढ़ूंगा, फिर जो है इसको तोड़ कर पढ़ूंगा कि भाई किस तरह से पढ़ा जाता है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो चलिए एक बार तेज़ी से, ये रहा आपके लिए पूरा टेक्स्ट एक साथ, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं 30-40 सेकंड का समय लगेगा। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस, द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखिए ऑफ यहाँ जाएगा ऑफ, ऑफ वर्कर्स 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर,
What are the ways in which Ravi's small productions unit was affected by the rising competition? Should producers such as Ravi stop production because their cost of production is the higher compared to the producers in other countries? What do you think? Recent studies point out that the small the producer in India need three things to compete better in the market: a better roads, power, water, raw material, marketing and information network. तो दोस्तों ये तो मैंने पढ़ दिया, आपने क्या पढ़ा, मैंने जो पढ़ा और आपने जो पढ़ा उसमें आपको क्या लगा, कहाँ पर फंस गया, क्या आप फंस गए इसको पढ़ने में, है ना, राइजिंग को पढ़ने में या कंपटीशन पढ़ने में? अगर कहीं फंस रहे हैं तो और भी इसे मैं बताता हूँ क्यों आप फंसे वहाँ पर। तो देखिए, एल को आर बोलते हैं, आर लगा तो रल हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, तो सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव सट, यू को आर बोलते हैं सट डाउन, ओ डब्ल्यू को आउन, टी लगा डाउन, ई एन को एन बोलते हैं, आर लगा रेन, रेन डर, ई आर को आर, डी लगा डर, आई एन जी को इन बोलते हैं रेंडरिंग मेनी, रेंडरिंग मेनी वर्कर्स, ई आर को आर वर्कर्स, ई डब्ल्यू एस को एस लेस जॉबलेस, द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय, ओ डब्ल्यू को एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स 20 million इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्री कल, सी वाले को कल बोलते हैं, टी वाले को चर बोलते हैं, दो पार्ट है दोनों को याद रखिए, कल्चर। व्हाट आर द वेज इन विच रवि, जिसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, स्मॉल प्रोडक्शन, सन को प्रो को याद रखिए, यूनिट्स वाज अफेक्टेड बाय राइजिंग, इसको जब बोलते हैं इंग, राइजिंग कंपटीशंस हो गया, सूड है ना, ऐसे अच्छे सूड, अगर सी रहता तो कूड, अगर डब्ल्यू रहता तो उड पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है एस एच के साथ शुड, प्रोड्यूसर्स सच एज रवि स्टॉप प्रोडक्शन बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इज हायर कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स इन अदर कंट्रीज। व्हाट डू यू थिंक रीसेंट, ई एन डी क्वेंट, सी लगा सेंट, सी लगा सेंट हो गया, रीसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट स्मॉल, देखिए प्रोड्यूसर्स इन इंडिया नीड थ्री थिंग्स टू कंपीट बेटर इन द मार्केट बेटर रोड्स और पावर और टर रॉ मटेरियल्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशंस नेटवर्क। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ाया था, अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तीसरे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, तो अच्छी बात है तो दो बार जरूर सुन के समझ लीजिएगा। दोस्तों पहला जो है यहाँ तक को लेंगे, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे सेवरल से, ठीक है, सेवरल, सो सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन एंड रेंडरिंग मेनी वर्कर जॉबलेस, कहने कई इकाइयाँ बंद हो गई है जिससे कि कई कर्मचारी बेरोजगार हो गए, ठीक है, कई इकाइयाँ, द सेवरल ऑफ यूनिट्स हैव शट डाउन, कई इकाइयाँ बंद हो गई है जिससे कि कई कर्मचारी जो है नौकरी विहीन हो गए हैं, मतलब कि बेरोजगार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मैं ले लूँ एक साथ, द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स 20 million इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली द एग्रीकल्चर, क्या अर्थ है इसका, कहने का अर्थ है तो भारत में कृषि के बाद, देखिए स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स 20 million इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू द एग्रीकल्चर, तो यहाँ कह रहा है कि नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में कृषि के बाद लघु उद्योग देश में सबसे अधिक संख्या में श्रमिक को जो है 20 million, यानी 20 million को रोजगार देते हैं, लघु उद्योग देता है। देखिए व्हाट आर द वेज इन विच रवि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट वॉज अफेक्टेड बाई द राइजिंग कंपटिशन, आगे है दोस्तों कि बढ़ती स्पर्धा से रवि की छोटी उत्पादन इकाई किस तरह प्रभावित हुई है। अब देखिए शुड, यहाँ से पढ़ते हैं शुड से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक, शुड प्रोड्यूसर्स सच एज रवि स्टॉप प्रोडक्शन बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द हायर कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स इन अदर कंट्रीज,
कहने का क्या रवि जैसे उत्पादकों को उत्पादन बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अन्य देशों के उत्पादकों की तुलना में अधिक है। चाहे लागत जो है जैसे सूड प्रोड्यूसर सच एज रवि, क्या आपको लगना है, क्या आपको लगता है कि भाई रवि का जो उत्पादन है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है, देखिए उनका प्रोडक्शन जो है हायर कंपेयर्ड जो बड़े बड़े दूसरे कंपनियों के जो उत्पादन उससे जो है ज़्यादा लागत में है ना। आगे देखिए, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि रिसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया नीड थ्री थिंग्स टू कम्पीट बेटर इन द मार्केट। कहा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि हाल के अध्ययन से पता चलता है कि है ना, यानी हाल के अध्ययन यहाँ से बोला रिसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट स्मॉल हाल के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में इन इंडिया स्मॉल प्रोड्यूसर्स, भारत में छोटे उत्पादक को बाज़ार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तीन चीज़ मार्केट में जो है प्रतिस्पर्धा करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला ए मतलब कि अच्छी सड़कें, फिर पावर बिजली, पानी, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, मार्केटिंग यानी विपणन, और सूचना नेटवर्क यानी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि सूचना नेटवर्क की ज़रूरत होता है। दोस्तों ऐसे करके समझा जा सकता है, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से देखें, वीडियो को स्लो करके देखिए और आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।